हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपको इस वीडियो में इतने ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझाएंगे कि आपको समझ बहुत आसानी से आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। तो सुनो, अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर को बहुत ही आसान शब्दों में बहुत आसानी से समझना है तो पहले आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। जब तक आप इन दो चीज़ों के बारे में नहीं समझोगे आपको रेनॉल्ड्स नंबर कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर छोड़ जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो पहले आपको वो दो चीज़ समझनी पड़ेगी। जब आप इन दो चीज़ों को समझ जाओगे उसके बाद ही आपको रेनॉल्ड्स नंबर पल्ले पढ़ने होगा, नहीं तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर पल्ले नहीं पढ़ने वाला जब तक आप इन दो चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे। अब वो दो चीज़ है क्या? तो दो चीज़ें हैं। पहला है फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब कोई भी फ्लूइड कितने तरीके से बह सकता है ये जानना पड़ेगा। और दूसरा आता है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड का क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है हमको ये जानना पड़ेगा। जब आप इन दो चीज़ों के बारे में जान जाओगे उसके बाद आपको पूरा के पूरा रेनॉल्ड्स नंबर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में। देखो, फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब, पहले हम बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब वो चीज़ जो बहती हो। तो चलो हम मैंने ले लिया पानी को ले लिया, ठीक है। मतलब पानी कितने तरीके से बह सकता है पहले हम जानते हैं। तो देखो, पानी जो होता है, मतलब बोलते फ्लूइड जो होता है वो दो तरीके से बह सकता है। कौन कौन? एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब इस तरीके से बहता है, और दूसरा आता है टर्बुलेंट फ्लो, मतलब इस तरीके से बह सकता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरा आता है टर्बुलेंट फ्लो, मतलब इन दो तरीके हैं, कोई भी पानी इन दो तरीकों में बह सकता है, ठीक है। अब क्या होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो, आपको हम ये समझा देते हैं। तो सुनो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो को समझने के लिए आपको अपने बाथरूम में जाना पड़ेगा। बाथरूम में जाके नल को ऑन करो। जैसे ही नल को ऑन करोगे, हल्का सा ऑन करना है, जैसे आप ऑन करोगे आप देखोगे नल से पानी निकलकर थोड़ा थोड़ा पानी एक समान स्पीड से, एक वेलोसिटी से क्या होगा, गिरने लगेगा नीचे, ठीक है। हमने थोड़ा सा ऑन किया है तो इस केस में क्या देखने को मिला है, हमको ये देखने को मिला कि इस नल से निकलने वाले जितने के जितने भी हमारे जो ये फ्लूइड थे उसके जितने भी कण थे, जितने भी पार्टिकल थे, सब के सब एक ही रास्ते में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अगर ये लिक्विड या बोले तो कोई भी फ्लूइड इस तरीके से बहे, दैट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? मतलब कोई भी फ्लूइड, मतलब कि इस फ्लूइड के जितने भी कण थे, जितने भी पार्टिकल थे, सब के सब एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। नीचे आप बल्टी लगी हो तो सब के सब एक ही डायरेक्शन से उस बल्टी में क्या होंगे, गिर जाएंगे। और ये कब होगा? जब नल को थोड़ा हल्का थोड़ा सा खोलोगे। आपको देखना है तो रुके रहो, आपको मैं थोड़ी देर के बाद इसको समझाने के बाद आपको इसको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूं मैं आपको। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो समझ आया आपको? अब फिर देखो, यहां पे है दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? अब ये जो टोटे है इसको बढ़ा दो, बहुत तेज से खोल दो। जैसे ही खोलोगे पानी बहुत तेज स्पीड से गिरने लगेगा और ये पानी पूरा इधर इधर उधर पूरा बिखर जाएगा। कुछ देखोगे बल्टी के बाहर पानी गिरने लगेगा, कुछ बल्टी के नीचे, कुछ उधर। मतलब कि जो फ्लूइड है, जो आने वाला जो फ्लूइड है और उससे जो निकलने, मतलब जो फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल्स थे सब के सब अपना अलग रास्ता क्या कर लिए, सब अलग अलग अपना लिए। कौन नीचे इधर ये वाला रास्ता, कौन इधर पकड़ लिए, कौन इधर पकड़ लिए, एक समान सब के सब एक ही रास्ते में ना आकर सब अलग अलग रास्ता क्या लिए, अपना लिए। इसका मतलब कि अगर पानी में खलबली मच जाए, दैट इज टर्बुलेंट। अब पानी बहुत आराम से बहे, एक समान स्पीड से एक ही डायरेक्शन बहे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। समझा आपको? अब आप इन चीज़ों को देख लिए, इसके बाद मैं आपको अब ले चलता हूँ एक बाथरूम में और वहाँ पर मैं आपको इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट बहुत सावधानी पूर्वक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, और साथ ही साथ आपको मैं ये भी दिखाता हूँ क्या होता है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो देखिए, तीनों चीज़ों को समझते हैं। हमने नल को जैसे ही थोड़ा सा ऑन किया, जैसे ही ऑन किया हमने देखा कि सारे के सारे नल से निकलने वाली जो पानियाँ थी सब के सब नीचे गिर रही हैं, और सारे के जो पानी के जो पार्टिकल्स थे वो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इसकी हम वैल्यू को थोड़ा सा, अगर नल को थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा बढ़ाएं, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि सब के सब एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो हम फिर से देखते हैं अभी भी सब के सब एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अभी भी हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। अब अगर हम इस जो हमारा ये नल है इसकी स्पीड को हम तेज़ी से बढ़ाते हैं, जैसे हम तेज़ी से बढ़ाते हैं हमने देखा कि सारे के सारे पानी के जो लिक्विड थे वो कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर सब अलग अलग डायरेक्शन में बट गए हैं। इसी को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो में जो निकलने वाला जो लिक्विड होता है वो हर डायरेक्शन में बढ़ जाता है, मतलब बोले तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, और स्ट्रीम लाइन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर ये जैसे हमारा
कि हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, अब इसकी स्पीड को हम बढ़ा दें, अभी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो ही कर रहा है, अगर अभी फिर बढ़ाएं तो अभी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो ही कर रहा है, लेकिन अगर हम अब इसकी स्पीड को बढ़ा दें तो देखोगे आप टर्बुलेंट फ्लो करने लगेगा। तो जिस, या बोले तो जिस वेलोसिटी पे ये लिक्विड हमारा बोले तो टर्बुलेंट फ्लो करने लगता है, बोले तो स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से। थैंक यू। अब आपने एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और साथ ही साथ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ये क्या होता है इसको भी समझा दिया। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स क्या होता है इसको मैं बोर्ड में भी आपको एक बार समझा देता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स का मतलब क्या, देखो अगर एक नल है, नल के आप टोटी को थोड़ा सा खोलो, तो जैसे ही खोलोगे इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा, पानी का स्पीड बढ़ जाएगा, पहले तो रुका होगा, जैसे ही नल खोलोगे इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा बढ़ेगा और धीरे धीरे ये स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या करेगा, गिरने लगेगा हमारा बोलो तो लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगा। ठीक है, अब फिर टोटी को थोड़ा सा और खोलो, जैसे ही टोटी को और खोलोगे जो जो हमारा लिक्विड था उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी और साथ साथ ये देखोगे अभी भी लेकिन स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब इसकी स्पीड थोड़ा सा और खोलो, जैसे थोड़ा सा और खोलोगे लेकिन हमने देखा कि जो हमारा फ्लूइड थोड़ा और इसका स्पीड बढ़ा लेकिन अभी भी ये स्ट्रीम लाइन फ्लो ही कर रहा है। लेकिन अब अगर हम हल्का सा भी खोल दे, टोटी को घुमा दे, तो इसकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी लेकिन ये स्ट्रीम लाइन फ्लो ना करके ये सीधा टर्बुलेंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ और नहीं, ये वो वेलोसिटी होती है जिस पर हमारा कोई भी फ्लूइड या लिक्विड जो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो ना करके सीधा स्ट्रीमलाइन फ्लो से सीधा किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में आ जाता है। मतलब अगर कोई लिक्विड किसी वेलोसिटी पर सीधे स्ट्रीमलाइन फ्लो से सीधा हमारा अगर टर्बुलेंट फ्लो करने लगे तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स। मतलब उस लिक्विड के लिए वो उसका क्रिटिकल वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी पर वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो से सीधे टर्बुलेंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझाते हैं आपको रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और इसका कुछ डेरिवेशन है, ये आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझाएंगे। तो देखो रेनॉल्ड्स नंबर, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, इसने कुछ दिमाग लगाया और बोला कि जो फ्लूइड जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो बहते हैं, जो लिक्विड्स हमारे बहते हैं उस पर ढेर सारा इतिहास बोले तो बहुत ढेर सारा रिसर्च किया और रिसर्च करके बहुत कुछ चीजें बताई। क्या चीज बताई वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर कोई एक पाइप हो, अब पाइप में आप पानी बहा दो, ठीक है पाइप में क्या करो पानी बहा दो, तो अगर पाइप में पानी बहा रहा तो हो सकता है वो ये वाला मोशन करेगा या ये फ्लो करे या ये फ्लो करेगा, हमको उससे मतलब नहीं, चाहे जो भी जो उसका मन हो वो फ्लो करे। ठीक है, बोला अगर एक पाइप ले और पाइप में कोई हमारा लिक्विड बह रहा हो और जो भी ये फ्लूइड इसमें भरा, अगर पानी हो तो मान लो पानी की ही जो भी फ्लूइड बह रहा है, अगर उसकी डेंसिटी रो हो, ठीक है, और जिस पाइप में बह रहा है उसका अगर डायमीटर हमारा डी हो और ये जो हमारा पाइप अगर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमारा कैपिटल ए हो ये, ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि इस लिक्विड का जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम वी सी से लिखते हैं, वी नीचे सी वी सी मतलब बोले तो क्रिटिकल वेलोसिटी इस लिक्विड के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा वो उस लिक्विड के जो डेंसिटी होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर डेंसिटी की वैल्यू कम होगी तो वी सी बोले तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये जैसा अगर घटने बढ़ने पर ये हमारा क्या चेंज होता रहेगा इसकी वेलोसिटी। ठीक है, उन्होंने ये रिसर्च करके पाया। अब उसने एक और चीज बोली, उसने बोला कि जो पाइप का डायमीटर होता है, जो पाइप का डायमीटर होता है और जो वीसी होते हैं दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि अगर इसके डायमीटर को कम कर दिया जाए तो जो वीसी होगा क्रिटिकल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, या बोलो तो अगर डी की वैल्यू बढ़ा दो तो वीसी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये इन्होंने वीसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d बताया। ठीक है, फिर उन्होंने बताया वीसी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वो ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कहोगे ईटा क्या होता है, तो ईटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस कोएफिशिएंट होता है। अगर आप इसको नहीं जानते तो आपको क्लास 11th में जाके एक बार इस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें, अब इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, इसको इक्वेशन 3 माना, 1, 2, 3 तीनों को हमने ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे हमको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो इनटू डी।
देख लो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये सॉरी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों से हमको ये मिला। अब हमको पता है कि जब ये साइन हटता है तो एक कॉन्स्टेंट जुड़ता है, तो हमने देखा BC बराबर एक कॉन्स्टेंट लिया और वो कॉन्स्टेंट हमारा है RE, ईटा यहाँ पे RE ये हटता है तो एक कॉन्स्टेंट जुड़ता है, वो कॉन्स्टेंट हमने लिया है RE इंटू ईटा अपन रो इंटू डी, जहाँ पे RE हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, आपको समझ आया रेनॉल्ड्स हमारा RE क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। अब यहाँ पे हमको RE की वैल्यू निकालनी, RE के बराबर निकालना है, तो RE बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा हो जाएगा RE इक्वल टू VC इंटू रो डी अपॉन ईटा। ठीक है जी, अब हमने क्या किया है यहाँ पे, जो हमारे डी था इसको इसके नीचे भेज दिया तो हो जाएगा RE इक्वल टू VC इंटू रो और डी को इसके नीचे तो ईटा बाई डी। ऐसा क्यों किया है, कुछ कारण है, अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया है, ए जो हमारा एरिया है ए और इंटू VC, किससे VC कौन है, क्रिटिकल वेलोसिटी का, कहां मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी बोले तो न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर इन दोनों में क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे और देखते हैं आगे क्या मिलता है, पहले आप इतना छापो उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया है कि ए इंटू VC का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा रो ए VC स्क्वायर जो कि हमारा ये है, और जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया ईटा ए VC अपॉन डी। अब आपने अगर क्लास 11th पढ़ा है तो आपको एक फार्मूला याद होगा, ये किसका फार्मूला है, इनर्शियल फोर्स का, और ये किसका फार्मूला है, ये हमारा है विस्कस फोर्स। आपको अगर नहीं याद है तो पेज नंबर 849 पेज नंबर खोल के देख लो, उस पे आपको विस्कस फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा F = ईटा ए इंटू VC अपॉन डी, अगर आपको याद हो तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है, इनर्शियल फोर्स का, ये किसका फार्मूला है, विस्कस फोर्स का, मतलब कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है RE ये कुछ और नहीं बल्कि इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो कहलाता है क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। अब इसकी वैल्यू कुछ आएगी फोर्स की, इस फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी, दोनों क्या करोगे भाग दोगे, जैसे ही भाग दोगे कुछ वैल्यू आएगी। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर RE की जो वैल्यू है, जो इसकी अगर वैल्यू कुछ निकालो गुणा भाग करके, अगर RE की वैल्यू 2000 से कम या 2000 के बराबर आ जाए तो इसको बोलते हम, तब हमारा जो लिक्विड होगा वो हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगा। अगर RE की वैल्यू क्या हो, 2000 से कम या 2000 के बराबर हो तो हमारा जो लिक्विड होगा वो कौन सा फ्लो करेगा, वो हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगा। अब जो अगर हमारा जो RE है, ये RE की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो जाए, क्या 2000 से ज्यादा हो जाए लेकिन 3000 से कम या 3000 के बराबर हो तो ये स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट इन दोनों के बीच में फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इस कंडीशन में, हमारा जो RE होती है इसकी वैल्यू 3000 से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि RE की वैल्यू कब क्या होने पे, ये कौन कौन सा, मतलब बोले तो ये जो लिक्विड हमारा कौन सा फ्लो करेगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो करेगा कि टर्बुलेंट फ्लो करेगा कि इन दोनों के बीच में करेगा, आपको इस वैल्यू से पता चल जाएगा। तो ये था हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, काफी आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।